हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं जेजे फिनटेक्स की तरफ से विशाल गोयल आज आपके लिए बड़ा कॉमन सा जनरल सा टॉपिक लेके आया हूँ, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज हम ये समझने वाले हैं कि अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे पास सफिशिएंट कैपिटल है, बिजनेस आइडिया है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से मैं अपना बिजनेस शुरू करूँ। एज अ इंडिविजुअल बिजनेस शुरू करना चाहिए, एज अ एचएफ बिजनेस शुरू करना चाहिए, एज अ कंपनी या एज अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो दो पार्ट्स में रहेगी। पहले पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा इंडिविजुअल दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और दूसरे पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कंपनीज एंड पार्टनरशिप। आइए, जब आप एज अ इंडिविजुअल बिजनेस शुरू करते हैं तो उसका मतलब क्या है? मेरे पास बिजनेस आइडिया है, सफिशियंट अमाउंट ऑफ कैपिटल है, मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं आज बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ। मेरे को किसी एक्ट में रजिस्टर नहीं कराना, अपने आप को कोई कंप्लायंस नहीं करना, मेरे को सिर्फ अपना बिजनेस स्टार्ट कर देना है, किसी से नहीं पूछना। हाँ, कोई छोटे मोटे एक्ट्स अगर एप्लीकेबल होते हैं वो जरूर कंसिडर करने पड़ेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड जिस देश में मैं रहता हूँ उस देश के कानून बाई डिफॉल्ट मेरे ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। कुछ बातें हम सेकेंड वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करें, आपके ऊपर दो एक्ट जरूर एप्लीकेबल हो जाते हैं। एक है इनकम टैक्स एक्ट और एक है जीएसटी। तो एज अ इंडिविजुअल भी अगर आप बिजनेस करते हैं तो पैसा तो कमाएंगे, तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स की कुछ बातें समझनी पड़ेगी, और सर्विसेज दे रहे हैं या गुड्स बेच रहे हैं तो आपके ऊपर जीएसटी भी एप्लीकेबल होगा। तो पहली बात करते हैं इनकम टैक्स। आप एज इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको बेनिफिट क्या है कि इंडिविजुअल की इनकम पर स्लैब रेट से टैक्स होता है, तो आपकी जो बिजनेस इनकम होगी उसके ऊपर भी स्लैब रेट से टैक्स लगने वाला है। 2.5 लाख तक नहीं, 2.5 से 5 लाख तक 5%, उसके बाद 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 20%, फिर 10 लाख से ऊपर अगर इनकम होती है तो 30%। अब जरा समझे, यहाँ पे एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है कि जब एज अ इंडिविजुअल मैं काम कर रहा हूं तो जो मेरे पर्सनल कुछ खर्चे हुए उनका बेनिफिट भी मेरे को मिल जाएगा। जैसे मैंने LIC करा रखी है, ट्यूशन फीस पे बच्चों की फीस पे करता हूँ, होम लोन के लिए पेमेंट करता हूँ, तो इन सब का बेनिफिट मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि एज अ इंडिविजुअल ये मेरी पर्सनल पेमेंट है और गवर्नमेंट मेरे को इनकी डिडक्शन देती है सेक्शन 80C से 80U में। उसके बाद इनकम टैक्स में एक थोड़ी सी दिक्कत आती है। क्या? इनकम टैक्स में ऑडिट कराना पड़ता है आपको अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो जाए। इनकम टैक्स में ऑडिट कराना पड़ेगा आपको अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो जाए। ये 1 करोड़ की लिमिट 10 करोड़ की हो सकती है, मतलब आपको 10 करोड़ तक टैक्स ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा अगर आप अपनी टोटल रिसीट का 5% से ज्यादा आपने कैश में ना रिसीव किया, और टोटल पेमेंट्स का 5% से ज्यादा आपने कैश में पे ना किया, तो ये आपका टर्नओवर 1 करोड़ का ना काउंट होके 10 करोड़ का काउंट होगा। अगर आप सर्विसेज देते हैं और स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स हैं जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, कंपनी सेक्रेटरी, फिल्म आर्टिस्ट वगैरह, तो उस केस में 50 लाख रुपए से ऊपर अगर आपकी रिसीट होती है तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं। ये हो गई हम लोगों की इनकम टैक्स की बात। अब दूसरा आता है जीएसटी। जीएसटी में अगर आप 20 लाख से ऊपर की सर्विसेज दे रहे हैं तो आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। गुड्स अगर आप बेचते हैं या गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस केस में 40 लाख से ऊपर टर्नओवर होने पे आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। हाँ, ये एक बात जरूर ध्यान रखिए, अगर आप इंटर स्टेट ट्रेडिंग करते हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर आपने माल बेचा, इवन इफ आपका टर्नओवर 40 लाख से पार नहीं हुआ तब भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है, डेट रेज करना। मेरे को अपना बिजनेस जब बढ़ने लगता है तो मेरे को पैसे भी चाहिए, मैं बैंक के पास जाता हूँ लोन लेने के लिए, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं जब मैं एज अ इंडिविजुअल काम कर रहा हूँ, क्योंकि एज अ इंडिविजुअल काम करने में बैंक वाला मेरे से कहेगा पिछले 3 साल की रिटर्न दीजिए, आपकी इतनी इनकम होगी तो आपको लोन देंगे एंड बहुत सारी चीजें। तो एज अ इंडिविजुअल आपको यहां पे दिक्कत आएगी। एक चौथी और इंपॉर्टेंट बात समझे यहां पे, मैंने 10 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया, खर्चे भी हुए मेरे, खर्चे मेरे ज्यादा हो गए, इनकम मेरी कम थी, देने वालों का पैसा देना है, मेरे को लॉस हो गया।
तो उस केस में मेरी पर्सनल एस्टेट लाइबल हो जाती है वो पैसा की पे करने। मतलब क्या समझे थोड़ा सा, मेरी देनदारी है 12 लाख रुपए की, मेरी जेब में पड़े 10 लाख रुपए, तो जो 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं मेरी पर्सनल एस्टेट, मेरा अपना जो घर है या फिर मेरा गाड़ी है या और कोई असेट है, उनको बेच के वो पैसा पे करवाया जाएगा, वो भी चीजें इसमें लाइबल हो जाती है। तो यहां पे पर्सनल एस्टेट लाइबल हो जाती है, इंटैक्ट हो जाती है अगर आपने भार का पैसा ज्यादा उठा रखा है। अब दूसरा आता है एचएफ। एचएफ का सेम चलेगा जैसे इंडिविजुअल का है, लेकिन समझते हैं पहली बात तो एचएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या ज्वाइंट हिंदू फैमिली है क्या। ये कंसेप्ट आपको इंडिया में ही देखने को मिलेगा। इंडिया में ज्वाइंट हिंदू फैमिली मतलब फादर है, बच्चों को भी अपने बिजनेस में लगा लिया और इनकम हो रही है, तो अब वो इनकम सिर्फ फादर की, बड़े बेटे की या छोटे बेटे की नहीं मानी जाएगी, वो कंबाइंड जॉइंटली फैमिली इनकम मानी जाएगी। और इसके लिए ज्वाइंट हिंदू फैमिली बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक डीड एग्जीक्यूट करानी होती है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बन जाती है। वो डीड अलॉन्ग विद सम नेसेसरी पेपर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में देने पड़ेंगे और आपका सेपरेट पैन नंबर आएगा, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट इंडिविजुअल को, एचएफ को अलग अलग पर्सन मानता है, एक ही पर्सन नहीं मानता। तो मिस्टर एक्स एज ए इंडिविजुअल जो काम कर रहे हैं वो अलग है, और मिस्टर एक्स ने एक जो एचएफ क्रिएट की वो अलग है। तो मिस्टर एक्स, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, बच्चों की जो वाइफ है और बच्चों के जो बच्चे हैं, तीन पीढ़ियां यहां पर कवर हो सकती है, 3 generations कैन बी कवर्ड। तो वो सब लोग उस एचएफ में आएंगे। जो फादर है, हेड ऑफ द फैमिली, उनको कर्ता कहा जाता है, बाकी लोगों को कोपार्टनर कहा जाता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जैसे ही बच्चा पैदा हुआ वो कोपार्टनर हो गया और उसके सभी कोपार्टनर्स की तरह इक्वल राइट हैं जो और कोपार्टनर्स के बनते हैं। यहां पे भी इनकम टैक्स की अगर बात करें तो स्लैब का बेनिफिट मिलेगा, कुछ ऐसी डिडक्शंस हैं जो और कंपनी को या फिर एचएफ सॉरी कंपनी को या फिर पार्टनरशिप फर्म को नहीं मिलती है, तो वो डिडक्शन भी एचएफ को एडिशनल। टर्नओवर 1 crore से ऊपर हुआ तो टैक्स ऑडिट कराना, वही दो कंडीशन पूरी कर दें, पेमेंट और रिसीट वाली अप टू 5% वाली, तो ये टर्नओवर आपका 10 crore का हो जाएगा। ये हो गई इनकम टैक्स की बातें। यहाँ पे स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स की बातें नहीं करूंगा क्योंकि एक एचएफ में सारे लोग स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स नहीं हो सकते, तो वो बात यहाँ पे नहीं करूंगा। जीएसटी की बात करें तो जैसे पहले डिस्कस किया इंडिविजुअल के लिए वैसे ही यहां पे एप्लीकेबल है, मतलब 40 लाख रुपए का टर्नओवर गुड्स के लिए, 20 लाख रुपए का टर्नओवर सर्विसेज के लिए देखा जाएगा, 20 लाख रुपए की रिसीट सर्विसेज के लिए देखी जाएंगी। इंटरस्टेट ट्रेडिंग कर दी तो भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। डेट रेजिंग में यहाँ पे वही दिक्कत आती है जो इंडिविजुअल को आती है, पिछले 3 साल की रिटर्न दिखाइए, कितना टर्नओवर था एंड ब्ला ब्ला। अगेन यहाँ पे भी इंडिविजुअल की तरह पर्सनल एस्टेट कर्ता की लायबल हो जाती है अगर लॉसेस ज्यादा है, तो आउटसाइडर्स की पेमेंट कर रही है तो जो कर्ता की पर्सनल एस्टेट है वो लायबल हो जाती है, उसकी पर्सनल एस्टेट से पैसा रिकवर किया जाएगा। अब आइए मैं आपको इंडिविजुअल और एचएफ के लिए एक टैक्स प्लानिंग समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने जैसे एग्जाम्पल लिया था मिस्टर एक्स, तो अब मिस्टर एक्स एज अ इंडिविजुअल भी काम कर सकते हैं प्लस एज एच एफ भी काम कर सकते हैं। तो जब एज ए इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो भी उनको स्लैब का बेनिफिट मिल गया, 10 लाख से ऊपर की इनकम पे 30% का टैक्स लगेगा, और एज एच एफ काम कर रहे हैं तो भी उनको स्लैब का बेनिफिट मिल गया और 10 लाख से ऊपर की इनकम पे टैक्स लगेगा, 10 लाख से ऊपर की इनकम पे 30% का टैक्स लगेगा। टैक्स ऑडिट की बात करें तो एज ए इंडिविजुअल भी टर्नओवर 1 crore से ऊपर जाएगा तो टैक्स ऑडिट कराना है, एज एच एफ भी 1 crore से ऊपर टर्नओवर जाएगा तो टैक्स ऑडिट कराना है, तो अगेन 2 crore का बेनिफिट हो गया। कंडीशन सेटिस्फाई कर देते 10 इधर 10 इधर 20 crore का बेनिफिट हो गया। जीएसटी की बात करें तो गुड्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अगेन 40 लाख का बेनिफिट इंडिविजुअल के केस में और 40 लाख की बेनिफिट एचएफ के केस में, तो 80 लाख रुपए तक आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्विसेज दे रहे हैं तो 20 लाख प्लस 20 लाख 40 लाख रुपए तक रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। तो इंडिविजुअल अगर आप ज्यादा बड़े लेवल पे बिजनेस नहीं कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो इंडिविजुअल और एचएफ बनाकर आप अपना टैक्स प्लान कर सकते हैं।
तो आज हम लोगों ने बात की इस वीडियो में इंडिविजुअल की और एचआर की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले पार्टनरशिप फर्म्स की एंड कंपनी की, वो भी बड़ी यूजफुल होने वाली है वीडियो, क्योंकि उसमें हल्की फुल्की हम फॉर्मेशन की बात करेंगे। आपने देखा इंडिविजुअल और एचआर में कंप्लायंस बर्डन कुछ भी नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारी जे जे टैक्स ऐप को डाउनलोड कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है। फ्री में क्वेरीज पूछ सकते हैं आप, जीएसटी इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप फ्री में पूछ सकते हैं। यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम प्रे करते हैं इस टाइम पे आप और आपकी फैमिली सेफ रहे। बी सेफ एट होम, गेट वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू फ्रेंड्स।